आइए हम पढ़ेंगे पहला क्रंथियों की पत्री 9 अध्याय उसका 1 पद। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? ध्यान दें, क्या मैं प्रेरित नहीं? निसंदेह इसका उत्तर है जी हाँ, पौलुस आप एक प्रेरित हैं। यूनानी भाषा में इस प्रश्न का रूप ऐसा है कि उसका उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? इसका भी उत्तर सकारात्मक है। जी हाँ, पौलुस आप स्वतंत्र हैं। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? प्रेरित का एक विशेष गुण यह था कि उसने स्वयं यीशु मसीह को देखा था। पौलुस ने यह अनिवार्यता पूरी की है। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? कुरिन्थ के विश्वासी उसकी प्रेरिताई का प्रमाण थे। तब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 2 पद में, यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, वह तो दूसरों के लिए भी प्रेरित था। यहाँ यदि दशा सूचक है, तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मेरे मित्रों, जहाँ तक कुरिन्थ की कलीसिया का प्रश्न है, उसे अपनी प्रेरिताई की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ के विश्वासियों पर स्पष्ट था कि वह एक प्रेरित था। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, लिखा है क्या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं। यहाँ पर उत्तर यूनानी के उत्तर में मूल अर्थ है अपना बचाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस न्यायालय में, जहाँ उसकी प्रेरिताई पर उंगली उठाई जा रही थी, वह अपने दोष लगाने वालों से अपना बचाव कर रहा था। उसका बचाव क्या था? क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित होने के कारण पौलुस को खाने पीने का अधिकार था। प्रेरित होने के कारण उसे स्वतंत्रता थी, परंतु उसकी यह स्वतंत्रता दूसरों के कारण कम हो गई थी। उसने साहसपूर्वक कहा, पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय के 13 पद में, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। मेरे प्रियो, उसे मांस खाने का अधिकार था, परंतु वह मांस नहीं खाएगा। यह स्वतंत्र इच्छा का काम है या नहीं? जरूर है। यह स्वतंत्र इच्छा ही है कि कुछ करने योग्य होते हुए भी न करने का चुनाव करें। यह एक प्रकार से ऊंची वरन सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। मित्रों, यदि आप किसी काम को करने योग्य नहीं हैं, तो आप उसे नहीं करते हैं। परंतु यदि आप कुछ करने योग्य हैं और उसे नहीं करने का चुनाव करते हैं, तो यह आपकी स्वतंत्र इच्छा का प्रदर्शन है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 5 में हम पढ़ते हैं, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के भाई से अर्थ स्पष्ट है कि वह प्रभु यीशु के भाई याकूब और यहूदा के बारे में कह रहा है, क्योंकि वे विवाहित थे। पत्रस भी विवाहित था। वे प्रचार यात्राओं में अपनी अपनी पत्नियों को साथ रखते थे। पौलुस कहता है कि उसे भी ऐसा करने की स्वतंत्रता है, परंतु वह विवाह न करने का चुनाव कर चुका है, क्योंकि विवाह कर लेने पर उसकी सेवा में बाधाएं उत्पन्न होगी। मेरे मित्रों, आज यदि आप अपनी प्रचार यात्राओं में या सभाओं में अपनी पत्नी को साथ रखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि पत्नी के बिना आपका काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी पत्नी को साथ न रखें तो भी परेशानी है। लोग सोचते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्यों अलग रखते हैं। मेरे मित्रों, प्रचारक को दोनों ही ओर से परेशानी उठानी पड़ती है। मैं अलग अलग जगहों में प्रचार कार्य के लिए जाता हूँ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को साथ में क्यों नहीं लाए। कई बार लोग कहते हैं कि क्या आप अपनी पत्नी को घर पर नहीं छोड़ सकते। मेरे मित्रों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लाएं तो भी परेशानी है, नहीं लाएं तो भी परेशानी है। आपको प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। पौलुस के साथ भी यही समस्या थी। वह कहता है कि उसे पत्नी साथ रखने का अधिकार है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु उसने दूसरा विवाह न करने को अधिक उचित समझा। अंततः वह एक अग्रगामी सेवक बना था
और उसका जीवन संकटों से पूर्ण था। मित्रों, हम पहला क्रंथियों की पुस्तक उसके 9:6 में आगे पढ़ते हैं, या केवल मुझे और बरनाबस को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। मित्रों, यहाँ पर वह कहता है कि यदि वे अर्थात बरनाबस और पौलुस स्वयं चाहे तो घर में ही रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें प्रचार करने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहने से हमारे उद्धार पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, अब वह प्रचार के आर्थिक सहयोग के बारे में भी चर्चा करेगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9:7-9 में हम पढ़ते हैं, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि क्या परमेश्वर बैलों की चिंता नहीं करता? या विशेष करके हमारे लिए कहता है, मेरे मित्रों, उस युग में गेहूं की दावनी के लिए बैल को इस्तेमाल किया जाता था। एक अनुप्रस्थ चक्के में बैल को जोता जाता था और बैल के चक्कर काटने से वह चक्का गेहूं को रौंदता था, जिससे गेहूं भूसी से अलग हो जाता था। इसके बाद गेहूं को हवा में उछाला जाता है और भूसी पवन में उड़ जाती है और गेहूं साफ दाना के रूप में नीचे गिर जाता है। परमेश्वर की आज्ञा थी कि दावनी करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधा जाए। क्यों? क्योंकि वह दावनी के लिए परिश्रम करता था और गेहूं खा लेना उसका परिश्रम का फल था। इस प्रकार परमेश्वर ने बैल के भोजन का प्रबंध किया था। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर प्रदत्त नियम था। इसकी व्यावहारिकता यह है कि प्रचारक का मुंह ना बांधा जाए। उसे उसके परिश्रम के फल स्वरूप उसे भोजन मिलना अवश्य है, अर्थात उसे भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, मैंने एक प्रचारक की कहानी सुनी है जिसके पास एक अति उत्तम घोड़ा था। यह प्रचारक बहुत दुबला पतला था। एक दिन उसकी कलीसिया के पदाधिकारियों ने उससे पूछा, प्रचारक साहब, आपका घोड़ा तो अति स्वस्थ दिखाई देता है और आप बहुत दुबले हैं, ऐसा क्यों? वे विवाद करना चाहते थे। प्रचारक ने उत्तर दिया, मैं बताता हूँ, मेरे घोड़े को मैं भोजन देता हूँ और मुझे भोजन देने का उत्तरदायित्व तो आप पर भी है। परमेश्वर कहता है कि आपके लिए काम करने वाले बैल का मुंह मत बांधो। पौलुस इस सिद्धांत को प्रचारकों और बाइबल शिक्षकों से संदर्भित करता है। परमेश्वर बैल की चिंता करता है तो प्रचारकों की क्यों न करेगा? मेरे प्रियो, पौलुस के कहने का अर्थ है कि उसने प्रचारक होते हुए मनुष्य को पोषित किया, अतः उसे भी पोषित किया जाना चाहिए या उसे पोषित किए जाने का अधिकार है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 9:10-11 में पढ़ते हैं, हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इसी बात को गलातियों प्रदेश की कलीसियाओं को लिखता है। यदि किसी ने आपको आत्मिक आशीषें और आत्मिक धन धान्य प्रदान किया है, तो उसे आपको उनके साथ अपने सांसारिक आशीषें बांटना चाहिए। मैंने टोरी जॉनसन के प्रवचनों में अनेक बार सुना है और मेरे विचार में यह एक अति उत्तम सिद्धांत है कि आपको उस स्थान को सहयोग प्रदान करना चाहिए जहाँ से आपको आशीषें प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर देखें, आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप वहां से निकलकर किसी दूसरे होटल में बिल भुगतान नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है कि आप उसी होटल में बिल देते हैं जहां पर आपने खाना खाया है, जिसने आपको भोजन कराया है। परंतु अधिकांश जन अपने आत्मिक भोजन के बदले ऐसा नहीं करते। वे आत्मिक आशीषें तो एक स्थान से प्राप्त करते हैं और दान किसी और स्थान को देते हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9:12 में हम पढ़ते हैं, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो।
मेरे मित्रों, पौलुस को अधिकार था कि अपने प्रचार के बदले में सहयोग प्राप्त करे, परंतु वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे सुसमाचार प्रचार में रुकावट आए। यही कारण है कि वह किसी प्रकार का पारिश्रामिक लेना नहीं चाहता था, अर्थात अपने कार्य के बदले कोई तनख्वाह नहीं लेना चाहता था। वह अपने हाथों से तंबू बनाकर अपनी आय स्वयं उत्पन्न करता था। आज जब कोई प्रचारक या सेवक इस प्रकार से कुछ कार्य करता है तो लोग उसे कहते हैं कि वह बिजनेस कर रहा है। मेरे मित्रों, मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे आज के युग में अनेक धार्मिक ठग व्यापार चल रहे हैं। वे चमगादड़ के नाए अंधे हैं। सच तो यह है कि वे मसीह के सुसमाचार का व्यापार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तथापि यह परमेश्वर की रीति है कि आत्मिक सेवा करने वालों को उनसे लाभ उठाने वालों का या उठाने वालों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वह और भी अधिक आशीषें अपने लोगों के बीच दे सके। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर की रीति है। जिस प्रकार हम पुराने नियम की पुस्तकों में देखते हैं कि परमेश्वर के याजक वेदी में से खाते थे, अर्थात मंदिर में जो भेंट होते थे या उनके लिए भी होता था, और आज परमेश्वर के प्रचारकों के लिए भी यही रीति है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे मित्रों, किसी प्रचारक से लोग आशीषें पाते हैं तो उनसे उसे सहयोग पान गलत नहीं है। मैंने यह देखा है कि जब मनुष्य कहीं से आशीषें पाते हैं तो वे अधिकतर उसी स्थान में सहयोग प्रदान करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 15 पद में आगे लिखा है, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। मेरे प्रियो, पौलुस किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल अपने परिश्रम के लिए स्वीकार नहीं करता है। वह इस बात को कहने के योग्य था कि कुरिन्थ की कलीसिया उसे सहयोग नहीं दे रही थी। वह उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं करता था। वह तो तंबू बनाकर बेचता था और उस आमदनी से प्रभु की सेवा करता था। हम पहले कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे मित्रों, मैं पौलुस की भावनाओं को समझता हूं, और स्पष्ट कहूं तो मुझे भी आवश्यकता होती है। मैं सुसमाचार सुनाना बंद करने का साहस नहीं कर सकता, जबकि ऐसा करने पर मैं उद्धार से वंचित नहीं हो जाऊंगा, परंतु मैं प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा मुझे बाध्य करती है और मुझे सुसमाचार का प्रचार करना और उसकी शिक्षा देना रुचिकर लगता है। मुझे आनंद और शांति मिलता है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं? यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। मेरे प्रियो, पौलुस स्वार्थ के कारण सुसमाचार प्रचार नहीं करता था, और मैं भी नहीं करता हूँ। परमेश्वर ने प्रतिफल की प्रतिज्ञा की है, और मैं जानता हूँ कि हम निराश नहीं होंगे। पहले कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मेरे मित्रों, उसे दास बनने की स्वतंत्रता थी। अब वह अपनी सेवा की गवाही देता है जिसे हम जानते हैं। तो आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 20 से 23 पद में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं
परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मित्रों, पौलुस कहता है, मैं यह इसलिए करता हूं कि मैं इस दौड़ में भाग ले रहा हूं और मैं एक खिलाड़ी हूं जो दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रतिफल पाना है। पहला क्रंथियों के पत्र 9 अध्याय उसके 24 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जी हाँ, प्रतियोगिता में तो एक ही धावक को पहला स्थान प्राप्त होता है, परंतु आत्मिक दौड़ में सबको पुरस्कार मिलेगा यदि वे सुसमाचार सुनाएंगे तब। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस दौड़ में सबको इनाम मिलेगा, इस संसार में नहीं परंतु स्वर्ग में। पहला क्रंथियों के पत्र 9 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रतिफल से आपका बैंक खाता बढ़ेगा नहीं, और न ही संसार से कूच करने पर यही रह जाएगा, वह आपकी अनंत समृद्धि के लिए होगा। पहला क्रंथियों के पत्र 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बे ठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाय नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि वह हवा में घुसेबाजी नहीं कर रहा है, वह दिखावे का खेल नहीं खेल रहा है, वह कलीसिया का नाटक नहीं कर रहा है, वह वास्तविक काम कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला है, और बड़ी लगनता के साथ कर रहा है ताकि वह उस प्रतिफल को पाए जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। पहला क्रंथियों के पत्र 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मित्रों, ध्यान दीजिए, शब्द है निकम्मा ठहरूं। पौलुस उस समय का विचार कर रहा है जब वह मसीह के न्यायासन के समक्ष होगा जहां प्रतिफल दिए जाते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया के लिखे दूसरे पत्र में वह उस समय की चर्चा भी करेगा जब हम सब प्रभु के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होंगे और अपना अपना प्रतिफल पाएंगे। पौलुस कहता है कि वह उसी दौड़ में भाग ले रहा है कि प्रतिफल पाए, और यही कारण है कि उसका सुसमाचार प्रचार ऐसा नहीं है, क्योंकि पौलुस स्वतंत्र है, यह उसका अपना निर्णय है। मेरे विचार में प्रत्येक विश्वासी को प्रतिफल पाने का प्रयास करना है। हम उधार पाने का प्रयास नहीं करते हैं, उधार तो परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। मेरे मित्रों, यदि आप प्रतिफल पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करें, दौड़ में भाग लें और दौड़ें। सिर्फ खड़े होने से आप अंतिम छोर तक नहीं पहुँच जाएंगे, इसके लिए आपको मेहनत करना है, अर्थात उस लाइन और लेंथ में उसी दूरी के साथ आपको दौड़ना है, उस नियम को पालन करते हुए दौड़ना है ताकि आप इनाम पाएं। दुख की बात तो यह है कि आज बहुत सारी कलीसियाओं में लोग उस लाइन पर खड़े हो गए हैं, कलीसियाओं के सदस्य बन गए हैं, लेकिन दौड़ में खड़े होकर के भी नहीं दौड़ पा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वे दौड़ नहीं रहे हैं, बस झुंड में खड़े हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि हम उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ें जो आज नहीं आने वाले समय में प्रभु मुझे और आपको इनाम के रूप में देना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इनाम पाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उस दौड़ को जीतें? और दुख और खुशी की बात इसी से प्रमाणित होगी कि जो उस दौड़ को पूरा करेंगे इनाम पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए बड़ा आनंद का विषय है कि इस संसार की दौड़ में तो सिर्फ एक व्यक्ति को मुकुट मिलता है, परंतु हम सब जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, मसीही दौड़ में, इसमें सबको इनाम मिलेगा, और अपने अपने दौड़ के द्वारा से। क्यों ना आज हम इस बात का निर्णय लें और उस दौड़ को पूरा करें ताकि मैं और आप हर एक व्यक्ति इनाम पाए, और परमेश्वर बहुत आनंदित होगा मुझे और आपको इनाम देने के लिए।